नमस्कार गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था कि नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आगे का मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं राप्ती नदी का जल का भराव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से राप्ती नदी की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर तक राप्ती नदी है वहाँ तक। गाइस अभी हम इसके और दूर तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और ये जल का भराव लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे तक पूरा जल का भराव हो चुका है। एंड बात करें तो यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे जल का भराव होता ही जा रहा है। अभी बात करेंगे, यहाँ इसके साइड जो भी मकाने थे पूरे डूब गए हैं, छत बस दिखाई दे रहा है। अभी आगे चल कर मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि गाँव होता है, सबसे ऊँचा जो मकान रहता है एंड ऊँचे ज़मीन पर जो रहता है मकान वही बस बचा है। नीचे के साइड जो भी मकाने थे सारे आधे से ऊपर डूब गए हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा छत बस दिखाई देगा। अब आ चुके हैं, गांव पार कर चुके हैं एंड देख सकते हैं पूरे जो घर थे अब पूरे डूब गए हैं। थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, वो भी 1-2 दिन में डूब जाएगा। बहुत तेज़ी से जल का भराव हो रहा है। और हम अभी हैं कौड़िया वाले रोड पर, इस रोड से कौड़िया जा सकते हैं और यहाँ पर सीधे लांसड़ी से निकल रहे हैं। और आपको लांसड़ी से निकलते हुए इस राप्ती का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और ये जो बांध है, ये बांध है राप्ती नदी को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी चला आया है, बहुत दूर तक फैला हुआ है पानी। और यहाँ पे घंटे टू घंटे में पानी का जल का स्तर जो है राप्ती नदी का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी बात करेंगे यहाँ के नीचे के साइड जो मकान है आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस पूरे जो हथे मकाने पूरे डूब गए हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से हमेशा आपको अपडेट टू अपडेट शहर की जानकारी, न्यू ब्लॉग की हमेशा आपको वीडियो मिलती रहेगी। आपको दूसरा वीडियो गोरखपुर का देखने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ हर एक जगह का। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन के हिसाब से ब्लॉग मिले तो उस जगह का नेम आप कमेंट कर दीजिए जिस जगह का ब्लॉग अगर आप चाहते हैं। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है लेकिन आपके लिए उस जगह का ब्लॉग मैं हमेशा ले आऊँगा, कभी ना कभी लेकर आऊँगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर घर बन ही रहा था, रुक गया काम यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ तक पानी आ गया है। और बंदे के साइड में अभी 6 फीट नीचे तक खुदाई होकर एक उसमें वाईफाई डाला गया है, तो इससे बंधा फूटने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, जो कि बंधा फूटने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। और ये वाईफाई जब इसके अंदर पड़ा, वाईफाई तार जब पड़ा तो अच्छे से दबाया भी नहीं गया, जिससे बारिश से बहुत ही ज़्यादा बंधा साइड के किनारे के फूट गए हैं। और यहाँ पे और आगे बढ़ के दिखाते हैं, ये भी एक मकान था जो भी पूरा डूब गया, थोड़ा बहुत बचा है। और ऊपर के साइड जो ऊंचे मकान जो हैं वही बस बचे हैं। तो बंधे के किनारे के मकान जो हैं बचे हैं और बीच में था जो मकान वो डूब चुका है। वहाँ पर भी गांव था, जैसे कि वहाँ पर के जो भी लोग थे बाहर निकल कर दूसरे जगह चले गए हैं। तो इन्जॉय करिए, मज़े लीजिए गाइस। उम्मीद करते वीडियो आप लास्ट तक वॉच करके जाएंगे, और लास्ट तक वॉच करके जाएंगे तो आगे का भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरा आपको जल ही जल दिखेगा, चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 किलोमीटर तकरीबन दूर यहाँ पे 4 लाइन है, 4 लाइन के बाद 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो आपको मिलेगा राप्ती नदी। तो आप तो जान ही सकते हैं कितना दूर तक पानी आ गया, तो कितना राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देख कर जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, एंजॉय करिए, मज़े लीजिए। Oh.